good morning everyone. In the present time, we are seeing lockdown period in the different way. In the social media, continuously we are busy to see different type of activities. सारे लोग different different तरीके से इसके अपने विचार प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं. But yesterday in the night, I was thinking कि शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने बहुत सारे लोगों की दुआ कबूल करके कोविड 19 का जन्म कर दिया. कोविड 19 का जन्म देके उन्होंने सारे लोगों को जो घरों में कैद कर दिया ना, वो शायद कहीं ना कहीं उसने ऊपर वाले ने बहुत सारे लोगों की दुआ कबूल कर ली है. आपको लग रहा होगा व्हाट आई वांट टू से, सो आई विल एक्सप्लेन, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट. बेसिकली आप देख रहे थे ना, वी आर सीइंग कि फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड की दिल्ली में इवन और ओड वाला कंसेप्ट गाड़ियों का चला दिया गया. रीजन क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो गया. पूरे टाइम आपने देखा दिवाली फेस्टिवल पे क्रैकर्स का लास्ट थ्री ईयर उन्होंने यूज बंद कर दिया. सो वी शुड यूज द ग्रीन क्रैकर्स. तो वो सारी है पोल्यूशन की वजह से. वी आर सीइंग कि हमारी जो गंगा है, जो हमारी नदियां हैं, उनका पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया था. एंड आर गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच वर्क हार्ड टू इम्प्रूव दैट थिंग, बट देयर इज नो रिजल्ट. सो ऊपर वाले ने सोचा कि कुछ मैं ही करके दिखाता हूँ, कुछ मैं ही अपना चक्र घुमाता हूँ और घुमा के मैं सारी की सारी चीजें सही कर देता हूँ. एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट नाउ. पोल्यूशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. जो हमारी नदियां बह रही है ना, उनका पानी आप देख रहे हैं शायद वो मिल्क जैसा है. एट द प्रेजेंट टाइम हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो पानी है ना, वो दूध की तरीके से प्रवाहित हो रहा है. इन द प्रेजेंट टाइम जो हम लोगों ने, हमारी मदर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने या बच्चों ने या सारे लोगों ने जो दुआ मांगी थी ना, वो कहीं ना कहीं सबकी कबूल हो गई. देखो कैसे सारे पेरेंट्स की शिकायतें रहती थी, बच्चा पूरे टाइम घर से बाहर ही रहता है, पूरे के पूरे टाइम उसे मॉल की डिमांड रहती है, उसे मॉल में जाना है, उसे मूवीज में जाना है, उसे ब्रांडेड कपड़े परचेज करने हैं, उसे डेली पिज्जा खाना है, उसे डेली बर्गर खाना है. आपने देखा ऊपर वाले ने किस तरीके से अपनी एक ट्रिक लगाई, सारे पिज्जा भी बंद हो गए हैं, सारे जो डिमांड्स होती थी ब्रांडेड कपड़े पहनने की वो भी बंद हो गई हैं. आपने देखा जो टीवी में स्टार्स आप देख रहे हैं, मुस्कराता रहेगा इंडिया, उसमें सारे स्टार्स लोअर और टी शर्ट में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. पहले यही लोग एडवर्टीजमेंट करते थे, ली का चाहिए मुझे रेबैन के गॉगल्स चाहिए. अब सारे लोग केवल टी शर्ट और लोअर में ही एडवर्टीज कर दे रहे हैं. तो सबको लग रहा है यार दिस इज द लाइफ, वी शुड फॉलो इट. स्टार्स आप देख रहे हैं अपने फॉर्म हाउस पे जाके, कोई गोभी उगा रहा है, कोई टमाटर उगा रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है. सो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. सो दिस इज जस्ट गिविंग द मैसेज दैट वी शुड बी हैप्पी इन ऑल द कंडीशन. हम लोगों के सबके दिमाग में गलत फहमी होती थी क्या, कि दुनिया में कुछ भी होगा खराब से खराब, हमारे साइंटिस्ट इतने स्ट्रॉन्ग हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट होल द वर्ल्ड, नॉट अबाउट द इंडिया. क्योंकि हम लोगों के दिमाग में वैसे भी एक गलत फहमी रहती थी कि शायद यूरोपियन हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यूरोपियन हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं. एंड यू आर सीइंग देयर कंडीशन. आप देख ही रहे हैं वहां पे क्या पोजीशन चल रही है. वो लोग कोरोना यानी कोविड 19 पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, आई वॉज सेइंग कि हमें लगता था कि कुछ भी गलत से गलत होगा, हमारे साइंटिस्ट जो है ना वो सारी चीजें कमांड कर लेंगे. और शायद साइंटिस्टों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था. बट नाउ यू आर सीइंग द रिजल्ट्स. जो हमारी थोड़ी एजड फीमेल्स होती हैं, उनको लगता था कि कुछ भी चीज खराब होगी ना तो मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगी और वो एग्जैक्ट मुझे बता देगा ये होने वाला है, तो हम अपने मंत्र करवा लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, या हम कुछ पूजा पाठ करके रोक देंगे. सो जस्ट आई वॉन्ट टू नो वेयर आर दीज एस्ट्रोलॉजर एट द प्रेजेंट टाइम. लेडीज या बाकी जो जितने भी पर्सन होते हैं, नॉट इंडिविजुअली लेडीज, सबको लगता था कि कुछ होगा तो वो तांत्रिक से हम ऐसा कुछ करवा देंगे. कहाँ है ये सारे के सारे तांत्रिक, कहाँ गई ये सारी चीजें. तो बेसिकली सब लोगों को जो ऊपर वाले ने ना कुछ अपने तरीके से सबकी डिमांड्स पूरी कर दी. मम्मी पापा की सारी शिकायतें खत्म हो गई हैं, क्योंकि बच्चा उनकी आंखों के सामने है, पूरे टाइम वो पढ़ाई कर रहा है. क्योंकि यही तो पेरेंट्स चाहते थे, उन्हें नहीं चाहिए था कि कोई बाहर घूमने जाए. मैक्सिमम वाइफ की कंप्लेंट्स होती थी कि हस्बैंड शाम को खाना खाने के बाद भी मैं बाहर चले जाते हैं, चाहे वो चाय पीने जा रहे हो या वो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हो या वो स्मोकिंग करने जा रहे हो, लेकिन अभी वो उनकी आंखों के सामने ही है.
अभी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। सारे फैमिलीज में डिस्प्यूट होता था किस चीज का, कि हमारे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, मेरे पापा ड्रिंक करते हैं। सारी चीजें नेचर ने खत्म कर दी। जितने टीवी में एड आ रहे थे ना कि सारा हमें जितने भी नशे होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, एक पर्सन जाता है 3 महीने गुजार के आता है, 15 दिन के बाद दोबारा से स्टार्ट कर देता है, वो सारे के सारे जो ट्रीटमेंट थे ना वो गॉड ने 1 सेकंड में खत्म कर दिए हैं। COVID-19 प्रपोज करके उन्होंने सारी चीजों को खत्म कर दिया। प्लस वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू से, नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नेचर पे इफेक्ट किसी तरीके का नहीं हुआ। जो पानी है वो अभी भी बह रहा है पहले से अच्छा, जो हवा है वो अभी भी चल रही है पहले से अच्छी, मुर्गियां अभी भी अंडे दे रही हैं। जितना आपने देखा जो लोग ये एग्स वगैरह या नॉन वेज का यूज करते थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं कि हम तो नेचर का डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सो दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग सच टाइप ऑफ थिंग कि हम एनिमल्स को खा जाते हैं, अदरवाइज उनके नंबर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इक्विलिब्रियम एटमॉस्फेयर का बिगड़ जाएगा। नाउ आई वांट टू नो कहाँ बिगड़ा इक्विलिब्रियम, नाउ एवरीथिंग इज मूविंग इन ए स्मूथ वे अकॉर्डिंग टू द नेचर। कहाँ गए जो इतने मुर्गियों ने अंडे दिए हैं, कहाँ गए? एवरीथिंग इज इन द इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे दिमाग की सोच है ना, ऊपर वाले ने इंसान को बनाया था बड़ा खुश होके कि मैंने ब्रेन दे के बहुत बढ़िया जनरेशन डेवलप कर दी है, बहुत बढ़िया चीज मैंने बना दी है, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग का यूज करके उस नेचर के साथ डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया, उसने एक छोटा सा झटका लेके सबको घरों के अंदर कैद कर दिया। सो जस्ट आई वॉन्ट टू से कि नेचर का कोई कुछ नहीं कर सकता, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द नेचर, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड। सारी चीजें वही होती हैं जो ऊपर वाले के दिमाग में होती हैं। आप लोगों ने देखा एक सलमान खान की मूवी थी गॉड तुसी ग्रेट हो, वहां पे ना अमिताभ बच्चन 10 दिन के लिए सलमान खान को गॉड बना देता है, सारी पावर उसके हाथ में दे देता है, उसने सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग घुमाना शुरू कर दिया। अगर आपको याद हो लास्ट वाले सीन में सलमान खान कह देता है सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जिसकी वजह से सब चीजें गड़बड़ हो जाती थी, तो अभी भी यही हुआ। सब लोगों ने जो दुआएं की थी ना, लोग कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता हम कभी घर से काम करेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल, वी आर द कमांडर ऑफ आर टीम, वी आर द चीफ, हमारा जाना जरूरी है, बट नाउ प्रेजेंटली एवरी वन इज डूइंग फ्रॉम हिज होम, सब अपने घर से ही काम कर रहे हैं सारी की सारी चीजें। तो जो लगता था ना कि ऐसा नहीं हो सकता, इट इज जस्ट इमेजनरी, नाउ एवरी थिंग इज डूइंग इन दिस वे, सब चीजें चल रही हैं। लेकिन वहां पे ना सलमान खान को 10 डेज की पावर देके अमिताभ बच्चन ने दिखा दिया कि जो मैं करता हूँ आई एम द गॉड, इफ आई एम द गॉड, जो मैं करता हूँ वो सारी चीजें सही होती हैं। वो अमिताभ ने जो सेंटेंस बोला था ना, उसने चीजों को रिवर्स करके दोबारा से स्टार्ट कर दिया। लेकिन ना इस लाइफ में कोई सलमान खान है, ना इस लाइफ में कोई अमिताभ बच्चन है, यहाँ पे रियल वाले गॉड ने ही सारी चीजें की हैं। सो जस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन एज वेल एज टू मी ऑल्सो दैट वी शुड नॉट प्ले विद द नेचर, क्योंकि जब उसका सिक्का घूमता है ना तो किसी की कोई चीजें नहीं चल रही होती। सो बस थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।